रिमशा 11 आणि श्रेयस 11च्या दरम्यान यस सर रेडी रिमशा 11 संघ नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारले सामरान कारभारी पहिले षटक हाताळण्यासाठी स्ट्राइकला आहे अजिंक्य चांगला चेंडू स्थिर केला पहिल्या चेंडूवर सन्मान दिला आहे कॉपीबुक स्टाईलमध्ये अर्थात कोचिंग मॅन्युअलमध्ये जसं शिकवलं जातं की सन्मान डिफेन्स कसा करायचा तो डिफेन्स इथे दाखवला अजिंक्यने अर्थात अजूने किरण जंगम आपल्याला कॅप्टन पाहायला मिळतील आता कॅप्टन अगेन्स्ट कॅप्टन गती परिवर्तन स्लोवर वन चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न पण यावेळेस दिशा चांगली नव्हती दिशाहीन गोलंदाजी उजव्या हाताच्या खूपच बाहेर चेंडू फेकला त्यामुळे पंच आम्ही डांगरे सरांचा इशारा आहे ते वाईड बॉल अवांतर धाबेनी तर अवांतर धाबेचं खातं उघडले फटका चांगला आहे क्षेत्ररक्षक नाही तिथे कव्हर रिजनमध्ये स्वीपर कव्हरवरून डोक्याच्या वरून चेंडू वन बाउन्स सी मा रेषा पार धामा मिळतील चार 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 चौकार मरुड प्रीमियर लीग पर्व दुसरा हा चौकार पाहायला मिळतोय किरण जंगमच्या बॅटमधून कॅप्टन विरुद्ध कॅप्टन अशी लढत आहे ओमकार मानकर यांच्याकडून अजिंक्य यांच्यासाठी खुशखबर आहे विशेष पुरस्कार प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राईज ओमकार मानकर यांच्याकडून पाहायला मिळते आता हल्ला चढवलाय सामरानवर किरण जंगमने पुन्हा एकदा सामरान स्लोवर वन उजव्या अष्टीच्या पुन्हा एकदा बाहेर दिशाहीन गोलंदाजी सामरानची आज त्याच्या चेंडूला गती मिळते गती परिवर्तन केले ते व्हाईट बॉल एकेरी धाव इथे मिळते सात धावा होत आहेत फुलटा चेंडू आहे स्क्वेअर लेगला खेळला फटका हवेच्या विरोधात चेंडू थोडासा स्लो झालाय पण सीमारेषा गाठले वन बाउन्स चेंडू सीमारेषा पार धाव मिळतील चार येतोय MPL सीझन 2 चौकार चार धावांनी इथं मात्र आक्रमण चढवलंय किरण जंगमने किरणला आपण पाहतो बऱ्याच वेळेस खूप चांगलं क्रिकेट ॲज अ आयकॉन म्हणून तो रॉयल फेस्टिवलमध्ये सुद्धा पाहायला मिळाला तर आणखीन एक मुरुड तालुक्यातील मॅन फ्रॉम मगरदांडा खूप चांगलं क्रिकेट किरण जंगमच्या माध्यमातून मी पाहायला मिळाले अर्थात सुरुवातीलाच मी दिघीच्या मैदानात त्याला ड्रम क्रिकेटसाठी पाहिलं होतं यावेळेस वेगाने फेकलाय चेंडू वाईड बॉल मिळेल डाव्यास्टीच्या बाहेर आहे खराब गोलंदाजी आता फास्टर रन टाकण्याचा प्रयत्न केला तर यावेळेस मात्र डाव्यास्टीच्या बाहेर टाकला स्लो रन टाकायला गेल्यानंतर उजव्या अष्टीच्या बाहेर जातोय ऑफ स्टंपच्या बाहेर खराब गोलंदाजी सामरानचे 3 वाईट टाकलेत फुलटा चेंडू आहे वेग प्रचंड होता थोडंसं पंबल क्षेत्ररक्षकाकडून स्क्वेअर ऑफ द विकेट सर्कलमध्ये एकेरी धाव किरणला मिळते या चेंडूवर प्रचंड वेग पाहायला मिळाला अर्थात फलंदाजाला कुठलीही रूम बनवून दिली नाही त्यांनी स्ट्रोक खेळण्याच्या आत बॅटवर चेंडू येऊन आदळला हे एकेरी धावाने धावसंख्या दुहेरी अंकांमध्ये पोचले 13 धावांवर तब्बल अजिंक्य स्ट्राईकला हा पुन्हा एकदा जबरदस्त स्ट्रोक परफेक्ट टेक्निकल आपल्याला पाहायला मिळेली इथे मात्र फलंदाज स्लिप झालेत मला वाटतं काही दुखापत नसेल प्लीज पाणी घेऊन जा प्लीज अजिंक्यसाठी कारण काय होतं आपण पाहतो पाटा विकेट आहे आणि आपले शूज असतात शूज जर यूज केलेले नसतील नवीन असतील ना तर हे इश्यू येतात लक्षात घ्या स्लिप झाले त्यामुळे थोडेसे शूज यूज केलेले असले पाहिजे रॅश झालेले असले पाहिजे पाहायला थोडीशी दुखापत आहे अजिंक्य येस अजिंक्य आहे चालतोय याचा अर्थ कम्फर्टेबल फील तो करतोय सुदैवाची गोष्ट आहे त्याच्या संघासाठी आणि त्याच्यासाठी सुद्धा कारण कुठल्याही क्रिकेटरला दुखापत खूप हानिकारक असते अर्थात
ती लागले याचं दुःख त्याला कमी असतं, पण त्याला खेळायला मिळणार नाही ही मॅच किंवा पुढच्या मॅच किंवा एखादी टुर्नामेंट, कधी कधी एक सीझन पूर्ण जात असतो, त्यामुळे मग खूप दुःख होतं. तर ऑल राईट आहे, ऑल इज वेल. अजिंक्य पुन्हा सज्ज होते मैदानात, ह्या दोन धावा त्याला मिळाल्यात, एक जबरदस्त स्ट्रोक त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला, धावसंख्या 15. सामरान कारभारी थोडासा महागडा ठरते या पहिल्या षटकात. यावेळेस प्रचंड वेग, दुखापतीनंतर थोडासा अनकम्फर्टेबल स्ट्रोक त्याच्याकडून ऑकवर्ड पोझिशनमध्ये पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडू सामरान कारभारीचा, डॉटनी हे षटक संपवलं जाते. 15 धावा पहिल्या षटकाच्या अखेरीस पाहायला मिळत आहेत. तुर्तास मात्र ते दुःख लागलेलं विसरून खेळण्याचा प्रयत्न अजिंक्य करतोय, पण दुखापत नक्की झाली. आता ती किती मोठी आहे त्याच्यातून तो कसं सावरतो हे पाहणं खूप गरजेचं राहील. पहिले षटक संपले. तर आपण वळतोय मुश्ताक आफराट सरांकडे. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश डिगीकर सर. या ठिकाणी डी के पाटील सर आलेले आहेत, तसेच शहबाजभाई हफीज साहेब आहेत, माजिद कादरी आणि बालक आहे, रिजवान संदिलकर साहेब आहेत, असे सर्व मान्यवर या ठिकाणी व्यासपीठावर बसलेले आहेत. त्या सर्व मान्यवरांचा पुन्हा एकदा आम्ही मुरुड प्रीमियर लीग पर्व दुसरं 2023 या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत करतो मित्रांनो. तो दोस्तों फिर से एक मरतबा हम लिए चलते आपको मैदान में टेनिस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में, जबकि दूसरा ओवर रिमशा 11 की तरफ से. तेज तर्रार गेंदबाज मुदस्सर खिदमतगार. पहली ओवर की समाप्ति पर हमारे स्कोर पराग खुद मुझे बता रहे हैं कि 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. हाँ, इस मरतबा जड़ में डालने की कोशिश किरण जंगम को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ेगा, जो बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा था उसका एक काटा मात्र यहां पर रिमशा 11 ने दूर किया है. अब हम देख रहे हैं दोस्तों इस वक्त बिलाल सबोले बीच मैदान पर नमूदार होते हुए. श्रेयस बिलाल सबोले एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज इस टीम में हम देख सकते हैं. मकसूद कारबारी को, शाहिद कारबारी को रिमशा 11 में. मुदस्सर खिदमतगार जिन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है. पहली ओवर में हमने देखा था स्कोर कार्ड पर 15 रन लग चुके थे जब समरान कारबारी ओवर कर रहे थे. उस वक्त बहुत ही आक्रामक रूप अपनाया था, एग्रेसिव क्रिकेट खेला था किरण जंगम ने. और वैसे भी दोस्तों बड़े हिट लगाने के लिए किरण जंगम प्रसिद्ध भी है. मुदस्सर अगली गेंद, इस मरतबा लेग स्टिक को छोड़ती हुई गेंद थी. मुख्य अंपायर हेमंत शेट्टी सर ने इशारा दिया, अपने बाजुओं को खोला. यस इट इज नियम क्रमांक 22 का यहां पर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने व्हाइट बॉल का इशारा दिया. सोलारन मुदस्सर अगली गेंद, खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद, सीधे खेल ऐसा लगा था कि यह गेंद सीधे ब्लैक स्क्रीन से टकरेगी, लेकिन उलट हो गया. यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का हमने देखा, यहां पर कैच करने की कोशिश की थी समरान कारबारी ने, जो कि खुद कप्तान भी है और बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का उनके पास अनुभव भी है. कोशिश अच्छी थी, लेकिन इस बीच दो रन, एक रन मुकम्मल किया. हाँ, फिर से एक मरतबा देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल अजिंक्य ने उसके सम्मान दिया. डॉट बॉल, डेड बॉल है. हैट्रिक पर 500 रुपए का इनाम मुस्तसर खिदमतगार के लिए यहां पर आया है दोस्तों. तीन विकेट अगर लेते हैं तो माजिद कादरी, माजी क्रिकेट पट्टू, क्रिकेट के प्रति उनका लगाव
सिक्स मारला। हाँ, इस बीच अजिंक्य के लिए एक बड़ी ऑफर आ रही थी दोस्तों, मैं कहने ही वाला था, जेनेसिस की तरफ से 500 रुपए का पारितोषिक। तो छह शानदार छक्का दोस्तों अजिंक्य बल्ले से आता हुआ, और हर छक्के के लिए दोस्तों अब 500 रुपये जेनेसिस की तरफ से मिलने वाले हैं दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी है दोस्तों अजिंक्य की, और बहुत ही बढ़िया। हाँ देखिए, नजाकत भरा, बिल्कुल प्योर क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए यहाँ पर लॉफ्टेड स्ट्रोक, स्वीपर कवर, सी मारशा के बाहर, वन बाउंस, 4 रनों के लिए 27 रन। बहुत ही घातक साबित होते हुए, हालांकि जेनेसिस की तरफ से हर सिक्स पर उनको 500 रुपए का पारितोषिक, 500 रुपए का इनाम लगाया गया है दोस्तों। हर कोई खिलाड़ी, हर कोई चाहता अपने खिलाड़ी पर इस तरह का पैसों की बरसात करता है दोस्तों। हाँ, इस मरतबा अच्छी वापसी होती हुई, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, मुख्य अंपायर ने इशारा भी दिया, सिरे से खारिज कर दिया, और एक रन मात्र लेग 22 की सूरत में मिला। अवंतर से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 28, फिलोसफ 1 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेष अगरदंडा, जिस टीम के टीम ऑनर है संजय जंगम, और जिसकी कप्तान उन्हीं के छोटे भाई किरण जंगम, शानदार बल्लेबाज मुदस्सर। हाँ, इस मरतबा भी ओवर पिच गेंद, समाचार लिया, इस बार भी वाइड इश लॉन्ग ऑफ, सीमा रेशा के ऊपर से भेजा। इस छक्के पर देखिए संग मालक काफी मुतासिर हुए स्ट्रोक से, और दे डाले 200 रुपए का इनाम संजय जंगम की तरफ से बिलाल सबोले के लिए। और जो संग मालक है राज डोंगरेकर है, तो बिलाल के लिए भी यहाँ पर 200 रुपए संजय जंगम की तरफ से, और जेनेसिस की तरफ से अजिंक्य के लिए हर छक्के पर 500 रुपए, जबकि गेंदबाज मुदस्सर खिदमतगार के लिए 3 विकेट अगर लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम माजिद कादरी की तरफ से लगाया गया था। मयो स्पोर्ट्स की बैट यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, प्लेयर ऑफ द डे के लिए नितेश पाटिल द्वारा, हमने देखा पहले ही दिन से, ये बहुत ही बड़ा योगदान है दोस्तों, यानी कि लगभग 9 दिन क्रिकेट का महासंग्राम चलने वाला है, महाकुंभ मेला भरा हुआ है दोस्तों। आइए अपने अच्छे खेल से आए हुए सभी दर्शकों को, और स्पेशली नितेश पाटिल को मुतासिर करें। 19 रन, बहुत ही खर्चीला ओवर रहा ये मुदस्सर का, क्योंकि हमने देखा दोस्तों इस ओवर में मुदस्सर ने 19 रन खर्च किए, यानी कि यकीनन ये महंगा ओवर साबित रहा रिमशा 11 के लिए। और इस छक्के के साथ रनों की संख्या 34 आफ्टर 2 ओवर, 17 पॉइंट, यानी 17 की सरासरी से इस वक्त बल्लेबाजी हो रही है श्रेष अगरदंडा की टीम के। कमेंट्री बॉक्स एंड से हम देख रहे हैं दोस्तों, रिमशा 11 के कप्तान समरान फिर से एक बार दबा मोर्चा संभाले हुए, इस बार भी हवा में खेला, लेकिन यहां पर आउट होगा बल्लेबाज होगा दोस्तों, सॉरी अजिंक्य को लौटना होगा, क्योंकि मास के हाथों में सीधे खेला था, वी में सर के ऊपर से निकालना चाहते थे गेंद को माजलाल से के, लेकिन माजलाल से की वैसे भी कद बहुत ही ऊंचा है, बल्लेबाजी की ही बात की जाए या फिर क्षेत्र रक्षण की बात की जाए तो भी उसका कद ऊंचा है दोस्तों। और यहां पर अच्छा कैच लपका और अजिंक्य को डगआउट में भेज दिया है दोस्तों। और अब खुद संजय जंगम दोस्तों बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर जाते हुए,
क्योंकि अच्छा स्टार्ट, दो ओवर 34 रन, दो विकेट के नुकसान पर हमने देखा था दोस्तों। पहला विकेट गिरा था जब स्कोर कार्ड पर 15 रन लगे थे, लेकिन उसके बाद दोनों के दरमियान 19 रनों की पार्टनरशिप रही थी अजिंक्य और बिलाल सबोले के दरमियान। लेकिन जैसे ही देखा समरान कारवारी ने कि ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं हमें ब्रेक करनी होगी, तोड़नी होगी, फिर से एक मरतबा गेंद अपने हाथों में ली और अपनी उंगलियों के जादू बिखेरते हुए, यानी कि अपने रफ्तार से गिरफ्तार किया था, यहाँ पर विकेट ले लिया था दोस्तों अजिंक्य का। एक रन जरूर मिलेगा, कलाई के सहारे मोड़ा, 35 रन ऑन स्कोरबोर्ड, 35 रन दो विकेट के नुकसान पर। पहली मरतबा मोरा एंड से बल्लेबाजी के लिए तैयार बिलाल सबोले। हाँ, इस मरतबा हल्का सा कट करना चाहते थे। देखिए जमीन पर पड़ने के बाद गेंद नीचे की तरफ रही और बिल्कुल बल्ले के करीब से निकल गई। बहुत ही बेहतरीन ये गेंद रही समरान कारबारी की। बिल्कुल यहाँ पर हमारे नवीद दायन जी मौलाना भी आ चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। अरबाज हाफिज साहब भी उनके साथ जुड़े, उनका भी स्वागत। और इस बीच स्वीपर कवर की दिशा में खेला और एक रन आसानी से मुकम्मल किया बल्लेबाज बिलाल सबो ने। स्ट्राइक को रोटेट किया, फिर से एक मरतबा संजय स्ट्राइक पर होंगे। 36 हाँ, इस मरतबा बहुत ही शॉर्ट गेंद थी, जमीन पर पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा बाहर निकली और कोई दिक्कत नहीं उसे वाइट करार देने में। पर अमित सर को एक रन का इजाफा होगा, इजाफे के साथ एक रन की संख्या बढ़ती हुई आगे पहुँचे 37 रन, 37 रन दो विकेट के नुकसान पर। इस मरतबा धीमी गति की गेंद थी, गेंद की बगैर लाइन में आकर खेलने का प्रयास किया था दोस्तों संजय जंगम ने। गेंद थोड़ी सी लेग ब्रेक फेंकी थी दोस्तों, यानी कि हर तरह की विविधता, हर तरह का मिश्रण, हर तरह की वेरिएशन आपको इस गेंदबाज में दिखेगी दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। फिर से एक मरतबा बैकफुट पर जाके काउ कॉर्नर की दिशा में खेला है, एक रन मिलेगा, 38 रन हो गए स्कोर कार्ड पर, जबकि तीन ओवर की समाप्ति। कमाल की गेंदबाजी समरान कारबारी। 39 39 रन, 38 रन। मकसूद कारबारी अलोंग द कारपेट खेला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद तेजी के साथ निकल गई थी, थोड़े से सफल हुए थे, थोड़े से वहां पर फंबल हुए थे खिलाड़ी, लेकिन अच्छा कमबैक किया, अच्छी वापसी की और गेंद को मात्र सीमा रेखा के अंदर रोकने में सफल। एक रन मिलेगा, केवल ही एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज संजय को। फिर से एक मरतबा स्ट्राइक पर संजय ने लाया है 39। अच्छा वो रिव्यू घ्यायचा आहे सर, ओके, ऑन फील्ड पंचांनी रिव्ह्यू मागितला आहे आणि ते स्वतः या ठिकाणी या चेंडूची त्याच्या शैलीची पाहणी करतील।
तो बिल्कुल यहाँ पर अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है, यानी कि जिस तरह से गेंदबाज की शैली पे संदेह जताया था, फिर हमने देखा रिव्यू लिया था ऑनफील्ड अंपायर ने, यहाँ पर बिल्कुल क्लोज से उसको चेक भी किया। रिमशाह इलेवन के जो ऑनर हैं रमीज घोले, उनके वालिद साहब यहाँ पर अब्दुलरज़ाक घोले साहब भी आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूँगा, विनंती करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अब्दुलरज़ाक घोले साहब आप इस व्यासपीठ पर आकर बैठे, और जितने भी यहाँ पर हौसी रसिक माय बाप रसिक दोस्तों आए हैं, हम उनका फिर से एक मरतबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे मुरूड प्रीमियर लीग पर, वह दूसरा में 2023 के शानदार चषक में। तो यहाँ पर दो रन मिलेंगे, गेंदबाज चेंज होगा। अब इस मुरूड प्रीमियर लीग पर वह दूसरे में यह गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। 40 रन भी इस वक्त स्कोर कार्ड पर लगेंगे, क्योंकि हमने देखा था जो बल्लेबाज ने वार्न किया था, इशारा दिया था, लेकिन अंपायर को पूरी अथॉरिटी है, अधिकार है, वो अधिकार उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल आकर वो गेंदबाज की शैली को चेक किया, और फिर कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में थे, शक के घेरे में थे, और फिर उन्होंने ऑफिशियली इशारा मैदान पर जाकर दिया कि गेंदबाज बैंड होगा, नो गेंद होगी, और दो रन मिलेंगे श्रेयस इलेवन अगरदंडा को। फ्री हिट का मौका, अक्षय को लाया गया था गेंदबाजी के लिए, हाफ ट्रैकर गेंद थी हवा में, बल्लेबाज रन आउट ही होता है, और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों नो गेंद हो चुकी थी, लेकिन फ्री हिट वाली गेंद पर मात्र बल्लेबाज एकमात्र ऐसा डिसीजन होता है कि आप रन आउट हो सकते हैं, वरना कैच बोल्ड कुछ नहीं हो सकते, और वही यहां पर हमने चित्र देखे कि बल्लेबाज रन आउट होकर बैक टू द पवेलियन लौट रहा है। दोस्तों संजय जंगम, एक रन मिलेगा, और इस एक रन के साथ अगर रनों की बात की जाए तो 41 रन। देखिए पहली दो ओवर में हमने देखा था दोस्तों लगभग 34 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे, लेकिन उसके बाद की कमाल की ओवर हमने देखी थी समरान कारबारी की, अच्छी वापसी की थी, और फिर से एक मरतबा अपने मैच में अपनी टीम को दोबारा वापसी की थी। दोस्तों अक्षय छोटे कद के गेंदबाज, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, परफेक्ट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, और जड़ दिया एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑफ सी मारे के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के साथ सीधी रनों की संख्या 47, 47 रन ऑन स्कोर बोर्ड, फोर्थ ओवर ऑन प्रोग्रेस। अक्षय जी हाँ, इस मरतबा भी बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, हल्की सी घुमाव हमने देखी पिच पर पड़ने के बाद, और जब जब गेंद शॉर्ट रहती है और फिर वो घुमाव लेती है तो इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, वो वाइड ही करार दी जाती है, क्योंकि गेंद बाहर जाती है शॉर्ट होने के कारण, अतिरिक्त एक उसको बाहर की तरफ घुमाव मिलता है, और वो घुमाव हमने देखा। हाफ ट्रैकर लगातार गेंदबाजी हो रही है, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी हो रही है, एक रन यहाँ पर मिलेगा, काउ कॉर्नर की दिशा में खेला था बिलाल सबोले ने, और इस सिंगल के बाद रनों की संख्या 49 रन। तीन बल्लेबाज के आउट होने के बाद, हाँ इस मरतबा जड़ में डालने की कोशिश की थी, अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया था, लेकिन अलोंग द कारपेट खेला था, अंदाज वही था दोस्तों माही वाला, और एक रन मात्र बल्लेबाज को मिला। 50 यहां पर मुकम्मल, अर्धशतक यहां पर इनिंग का मुकम्मल हो चुका है दोस्तों श्रेयस अगरदंडा की टीम का। हाँ फिर से एक मरतबा वापसी की एक गेंदबाज ने, अक्षय को बैक टू बैक हमने दूसरी गेंद देखी रूट में डालने की, जड़ में डालने की, ये अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है दोस्तों अक्षय की, क्योंकि बिलाल सबोले जो कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, पूरे अपने लय में नजर आ रहे, उनको कहीं पर ना कहीं रोकने का काम किया अक्षय ने।
हाँ फिर से एक मरतबा देखिए, खूबसूरत ड्राइव किया है, डी पॉइंट सीमा रशे की तरफ ट्रैवल कर रही गेंद, क्या गेंद को रोकने में सफल हो गए खिलाड़ी, लेकिन नहीं, गेंद उस खिलाड़ी से ज्यादा तेजी के साथ निकल गई सीमा रेशा पार चौकार, और इस चार के साथ 54 ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर कंप्लीटेड 4 ओवर। चार ओवर के खात्मे पर 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 54 रन, मजीद दो ओवर का खेल बाकी है, बची हुई 12 गेंदों में कितना लक्ष्य होगा इसके लिए आपको दो ओवर का यानी कि 10 मिनट का और इंतजार करना होगा। दोस्तों गेंदबाजी का भार रिमशा के कप्तान समरान कारवारी किसके कांधे पर सौंपेंगे, मुझे को फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, अब मुजम्मिल को बिल्कुल ऑन साइड से हटाकर ऑफ साइड की दिशा में ले जाया गया है, बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, क्योंकि मुझे एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, अच्छे क्षेत्ररक्षक और गेंदबाज, वही मुदस्सर खिदमतगार। पहले ओवर में जिस गेंदबाज ने एक ब्रेक थ्रू दिलाया था जरूर, लेकिन 19 रन भी खर्चे थे, अजिंक्य और बिलाल ने का बहुत खासा समाचार लिया था, वही मुदस्सर फिर से एक मरतबा गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए। पांचवी ओवर की पहली गेंद, जी हाँ इस बार भी कोशिश थी गेंद को अंदर की तरफ लाने की, और देखे यहां पर लेग 22 की सूरत में 4 रन मिल रहे हैं, यह बहुत ही अफसोसजनक बात होगी, क्योंकि हमने दोस्तों आदित्य काशिद निखिल धारवे को देखा था, दो स्लिप लगाई थी, फर्स्ट स्लिप लेग स्लिप, लेकिन उन खिलाड़ियों ने जिस प्रकार से गेंदें रोकी थी ना, वो कमाल की थी दोस्तों। और मैं अक्सर कहता हूँ कीपर के हाथ से गेंद जब जब छूटेगी उसे रोकना आसान नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, लेकिन वो काम उन खिलाड़ियों ने करके दिखाया था, हमने अर्शिलन के खिलाड़ियों को भी देखा था, सलमान शेख ने एक मरतबा बहुत ही बढ़िया रोका था। हाँ यहां पर गेंद सीधी जड़ में और किल्ला बिखेर दी, डांडी गुल कर दिए दोस्तों इस बल्लेबाज की, यानी कि भूषण को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा, रनों की संख्या वहीं पर रुकी हुई है 58 रन, 3-4 विकेट के अब नुकसान पर छोड़ दिया था। देखिए कभी कभी बल्लेबाज ऐसी गलती कर बैठते हैं दोस्तों, उनको ऐसा लगता है कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल जाएगी, लेकिन कमाल की गेंद अंदर की तरफ आई, और इस वक्त हवाएं भी उसी दिशा में चल रही है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस गेंद को हवा का भी सपोर्ट मिला होगा, जिस प्रकार से भूषण ने गेंद को छोड़ा था शायद वो सोच रहे थे कि ये गेंद वाइड निकल जाएगी, लेकिन हवा के कारण भी अंदर गेंद आई। सुरई का बल्लेबाज प्रशांत रसल दी मसल पावर क्या यहाँ पर दिखा पाएगा दोस्तों, एक रसल की उपाधि दी गई थी जिस तरह से हमने देखा था कल पराग खोत ने दोस्तों मझगांव के रसल को मौका दिया था, और बिल्कुल सही समय पर 24 कैरेट खड़े सोने की तरह वो साबित हुआ था, चौका और छक्का लगाया था दोस्तों। यहाँ पर ये रसल का कामयाब होगा, बहुत ही अच्छी गेंद हो सकती थी अगर थोड़ी अंदर की तरफ आती तो, इससे पहले वाली भी गेंद भूषण ने यही सोचकर सोची थी कि वाइड होगी, लेकिन उस मरतबा गेंद अंदर की तरफ आई थी दोस्तों, एक रन वाइड की सूरत में मिलेगा 59। दो यहां पर बेहतरीन गेंदबाज हमारे साथ बैठे हुए, अगर डीके पाटिल की भी बात की जाए या अनिस बालक की भी बात की जाए या फिर तीसरे हमारे माजिद भाई कादरी की भी बात की जाए, उंगलियों पर जादू करने वाला, हा इस मरतबा सीधे खेला है, बहुत ही अच्छा फुटवर्क और अच्छी वापसी होती हुई यहाँ पर मुदस्सर खिदमतगार की भी, क्योंकि अभी तक मुदस्सर ने पहली गेंद पर 4 आने के बाद अच्छी वापसी की थी, हालांकि वो 4-22 की सूरत में आए थे, लेकिन उसके बाद भूषण को आउट किया था और उसके बाद अगली गेंद खराब थी, वाइड फेंकी थी, लेकिन इस गेंद पर एक सिंगल 60 रन यहाँ पर मुकम्मल 60 रन। पांचवी ओवर अपने प्रगति पर है, 60 ऑन स्कोर बोर्ड। मुदस्सर अपने बॉलिंग के निशाने पर खड़े हैं, एम मकसद अपने दिमाग में फिट करके, हाँ इस मरतबा देखे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, शॉर्ट आर्म किया, लेट कट कर दिया और गेंद थर्ड मैन जा रही है, डीप थर्ड मैन में होती हुई 4 रनों के लिए, यह बहुत ही शानदार चौका दोस्तों।
ये बहुत ही खूबसूरती के साथ प्री प्लानिंग खेला हुआ ये स्ट्रोक, और ये वाकई में ये बल्लेबाजों की खासियत होती है। ये मैदान जो आपको ये दिया गया है जिस तरह से खेलने के लिए, और दोस्तों कई सही मायनों में आपको उस कसौटी और आपको वो आपके अंदर की क्वालिटी, वो कला जो गुणवत्ता आपके अंदर है वो सिद्ध करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। 64 पांचवी ओवर, जी हाँ, इस मरतबा लीडिंग एज लगी थी, थोड़ी सी इनसाइड एज लगी थी, और भाग्यशाली भी रहे कि केवल एक रन यहाँ पर मिलता हुआ। राफिद भी इस टीम में आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, रिमशा 11 में, एक बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज, बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेट के लिए माने जाने वाला बल्ले खिलाड़ी बल्लेबाज। तो ओवरऑल अगर देखे जाए तो रिमशा 11 में भी बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज शामिल है। मुदसर, हाँ, इसमें तो वहाँ ट्रैकर गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, केवल एक रन मिलेगा। दो सिंगल के साथ अगर बात की जाए तो 66 ऑन उसको बोर्ड, नहीं रन लिया, ने शायद आखिरी गेंद पर रन नहीं आया दोस्तों, 65। देखिए गेंद तो काफ़ी दूर तक निकल गई थी, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल सबोले आखिरी ओवर अपने यानी कि खुद खेलना पसंद करेंगे, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक हमारे पास रहे। 65 आफ्टर द फिफ्थ ओवर, पांच ओवर की समाप्ति पर आखिरी ओवर के लिए माजलाल से के हाथों में गेंद सौंपी है, एक भरोसे के गेंदबाज के रूप में दोस्तों यहां पर रिमशा के कप्तान समरान कारबारी ने भरोसा जताया है। मुदस्सर खिदमतगार कुछ टिप्स देते हुए, कुछ कान मंत्र देते हुए रिमशा के गेंदबाज, आखिरी गेंदबाज माजलाल से को। दिए गए 25 मिनट आपको पांच ओवर कंप्लीट करने के लिए, और उस टाइम के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि पांच ओवर कंप्लीट भी हुए क्योंकि अंपायर जी की जानी से कोई इशारा नहीं आया है, लेकिन गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। दोस्तों जुमा का दिन है, आप सबको पता है। हाँ, इस मरतबा जोरदार हिट लगाना चाहते थे, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद इनसाइड एज लगने के बाद सीधे विकेटों से टकराई और दे डाला, ये बहुत ही बड़ा झटका है दोस्तों। श्रेयस 11 अगर दंडा के लिए, ये लगने वाला बहुत ही बड़ा झटका, बिलाल सबो ने आउट होने से पहले बनाए थे, दो छक्के और एक चौके की सहायता से लगभग 19-20 रन, अच्छा योगदान कहा जा सकता है दोस्तों। 13 रन का योगदान हमने देखा था अजिंक्य का, दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप भी बनी थी किरण जंगम के आउट होने के बाद, और जिस प्रकार से बिलाल ने देखा था आखिरी पांचवी ओवर के आखिरी गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट नहीं किया था, यानी प्री प्लानिंग मन बना लिया था कि मैं आखिरी ओवर की ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें फेस करूं, लेकिन माज ने मात्र उनके वो सभी मंसूबे उध्वस्त किए, उनके सपनों को चकनाचूर किया। एक बेहतरीन गेंद हल्की से ऑफस्टिक से बाहर थी, खेलना चाहते थे, इनर एज लगने के बाद गेंद विकेटों से टकराई और ये पाँचवा झटका लगा दोस्तों श्रेयस 11 अगरदंडा को। माज कामयाब गेंदबाज, जी हाँ, इस मरतबा भी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कवर के ऊपर से खेला है, डीप कवर में खड़े खिलाड़ी मुझो जब तक गेंद को रोकते, इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रसल और महमूद के दरमियान, महमूद ने अपना खाता खोला इस दो रन की सहायता से, और बड़ी देरी के बाद मात्र इस दो रन से रनों की संख्या को पहुँचा 67, क्योंकि आखिरी गेंद पर जो रन नहीं लिया था कहीं ना कहीं वो एक रन यहां पर माइनस हुआ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दूर तक गेंद निकल गई थी। लॉन्ग ऑफ तक जब गेंद जाती है तो बल्लेबाज एक नहीं कभी कभार दो की भी कोशिश करते, लेकिन बिलाल सबो ने अलग ही प्लानिंग की थी, स्ट्रैटेजी बनाई थी आखिरी ओवर के लिए। माज, हाँ, इस मरतबा भी देखिए मनसूबे उध्वस्त किए, दूर से खेलने का, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया महमूद ने, और माज की आखिरी ओवर बहुत ही बढ़िया घटती हुई, बहुत ही खूबसूरती के साथ रिमशा 11 के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हाँ, इस मरतबा खोद के निकाला है, लो फुल टॉस गेंद थी, बैठक स्ट्रोक खेला और गेंद को भेजा डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेशा पार, षटकार।
73 ऑन स्कोरबोर्ड। शानदार बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों। आखिरी दो गेंदे आना से छठी ओवर की आखिरी दो गेंदे बची है। इन दो गेंदों पर क्या लक्ष्य होगा, क्या कोशिश होगी बल्लेबाज महमूद की। कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों। हालांकि रसल को मौका नहीं मिला, रसल जो कि सुरई से बिलोंग करता है। जिस गेंद से छक्का लगाया शायद बल्ले में कुछ खराबी आई है, वरना छक्के जिससे मारा है वो बल्ला कौन बदलेगा। अच्छा थोड़ा सा, और आजकल बल्ले वैसे भी नाजुक होते हैं दोस्तों, पहले की तरह नहीं, सालों साल चलते थे। अनिस भाई SLB का बल्ला, प्रेसी का बल्ला, DSC का बल्ला, सिल्वो का बल्ला, काफ़ी प्रसिद्ध DSC। विजू पे DK पाटिल के पास भी एक बल्ला है दोस्तों, कई सालों से उसको संभाल के रखा है। और इस बीच सिंगल रन यहां पर मिलता हुआ, यानी कि 74। शानदार छक्के के बाद हमने देखा था 73 स्कोर कार्ड पर लगाए थे। आखिरी गेंद, रसल दी मसल पावर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले से गेंद टकराई और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गई। इस बीच रसल ने चालाकी के साथ, चतुराई के साथ दो रन मुकम्मल किए और 76 रन स्कोर कार्ड पर लगाए। 6 ओवर के खत्म होते होते 5 विकेट के नुकसान पर अच्छा लक्ष्य कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि पहला मुकाबला भी हमने देखा था जब वागोबा 11 के दरमियान मुकाबला हुआ था। सिद्धिविनायक का तब पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धिविनायक ने लगाए थे 67 रन, और जिसका जवाब भी आपने देखा था दोस्तों, शानदार बल्ले से, शानदार बल्लेबाजी की थी रुपेश ने। और रोहित डवलेकर ने 75 रन बनाए थे, 75 का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में हुसैन ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, वापसी की और जड़ डाले थे 6 छक्के, 43 रन बनाए थे नॉट आउट। और रितेश ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों, और वागोबा 11 ने एक बड़ी फतेह हासिल की थी। 74 रन बनाए थे दोस्तों सिद्धिविनायक ने, 75 रनों का लक्ष्य रखा था लेकिन उस लक्ष्य का भी पीछा किया है। तो यहाँ पर जो है चेसिंग, एक कप्तान की एक मेंटेलिटी है कि चेसिंग भी यहाँ पर आसानी से हो सकती है, लेकिन हमने गेंदबाजी पर भी मुकाबले जीतते हुए देखे है। पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच रहा था दोस्तों हुसैन टाके। चलिए इस मैच में हम देख रहे हैं कि 76 रन बने हैं और 77 रनों का जीत का लक्ष्य होगा दोस्तों। किस तरह से आने वाले समय में रनों का पीछा करती हुई टीम आपको रिमशा 11 नजर आएगी, ये दिखाने के लिए, ये आप तक सुनाने के लिए दोस्तों हम फिर से एक मरतबा आपको लिए चलते हैं। हमारे साथी कॉमेंटेटर इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाएंगे आप तक, हरीश डिगीकर सर। धन्यवाद मुश्ताक सर। ज्ञानेश्वरीमध्ये ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, माझा मराठीचा बोलू कौतुके, परिअमृतातही पैजा जिंके, ऐसी अक्षरे रसिके मेळवीन, अर्थात अमृतालाही पैजेने जिंकून दाखवणारी मायबोली मराठी। आणि त्या मराठीतूनच मी या दुसऱ्या सत्राचं समालोचन करण्यासाठी तुमच्या समोर हरीश गजानंदीकर डिगीवरून या MPL 2023 पर्व दुसऱ्यामध्ये दाखल होते। जगद्गुरु तुकोबारा सांगतात, आमागरी धन शब्दांचीच रत्ने, शब्दाचीच शस्त्रे यत्न करू, शब्दचे आमच्या जीवाचे जीवन, शब्द वाटू धन जन लोका, तुका म्हणे पहा शब्दची हा देव, शब्दची गौरव पूजा करू। तर त्या शब्दांची पूजा करण्यासाठी
मी इथे दाखल झालोय समालोचन कक्षामध्ये। तर दुसऱ्या सत्रात तर 77 धावांचं लक्ष्य आपण पाहतोय। तवळते मैदानाकडे पंच आपली जागा घेतात। दोन फलंदाज आपल्याला मैदानात दाखल झालेले पाहायला मिळत आहेत। रिमशा 11 कडून श्रेयसी 11 संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 76 धावा कुठल्यात 77 धावांचं लक्ष्य ठेवले। लक्ष्याचा बाटला कदा रिमशा 11 अर्थात सामरान कारभारी यांचा संघ कसा करतोय। किरण जंगम यांच्या संघाने 76 धावा केल्यात। दोन खेळाडूंमध्ये चांगली लढत आपल्याला पाहायला मिळते। दोन सामने मॅच दोन संघांमधला मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। रिमशा 11 संघ मालक रमेश गोळे संघ मालकांची सुद्धा नजर आहे आपला संघ काय परफॉर्मन्स काय कामगिरी करणार आहे। कारण ज्यांच्यासाठी आपण ऑक्शन मध्ये मेहनत केली। यस सर रेडी ऑल सेट गो। पहिला चेंडू गोलंदाजी मार्कवर दीपक मकसूद आहे स्ट्राइकला एक आणखीन दर्जेदार क्रिकेटर। पहिला चेंडू सरळ आता स्टेअर केला बॅकवर्ड पॉइंटला स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता स्टेअर केलाय फक्त डिफेन्सिव्ह मोडने मकसूदनी। मकसूद खूप चांगलं क्रिकेट खेळतो अर्थात श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये ॲज अ आयकॉन म्हणून त्याला चांगली मागणी आहे स्पर्धेमध्ये आय पी एल फॉर्मॅट स्पर्धेमध्ये। एकेरी धावाने आपला धावाचा श्रीगणेशा केलाय खातं उघडलंय संघाचंसुद्धा धावांचं खातं उघडलंय। एक धावाने 77 धावांचा बाटला करायचा आहे। मकसूदच्या साथीला नवीन फलंदाज जो आता अरफात स्ट्राईकला पोचतोय दीपक आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न जोरदार अफील इथे पगबाधासाठी पायचितसाठी पाहायला मिळाली। एका चेंडूवर खूप कारण नाटकीय चित्र पाहायला मिळालं लेग बायचा इशाराला कारण पंचांनी अपील फेटाळला होता डाव्यास्टीच्या बाहेर अशी दिशा दाखवली खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं फेकी खराब त्याची संधी घेतली मकसूद आणि अरफातनी। दोन धावा घेतल्या इथे तीन धावा अरफात पहिल्याच मन केलं होतं मनसुबा ठरवला होता की ऑन साईडला गेला कारण पावर प्ले आहे। दोन षटक 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील। पहिल्या मॅन्डेटरी पावर प्लेमध्ये दुसरा षटक आपण बॅटिंग पावर प्ले पाहतो त्याच्यामध्ये लगातारच्या दुसऱ्या षटकात आपल्याला तो पावर प्ले आहे त्यावेळेस तीन क्षेत्ररक्षक आपल्याला सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळत आहेत। एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक एक्झॅक्ट स्क्वेअर लेगला फटका जिथे क्षेत्ररक्षक आहे तिथेच खेळण्याची चूक केली फलंदाजांनी। इथे चूक घडते क्षेत्ररक्षकाकडून अर्थात मैदानात चुकीला माफी नाही। इथे हा धोका पत्करला तो किरण जंगमच्या क्षेत्ररक्षकांनी भूषणने हा जेल सोडला अर्थात भूषणने आपल्या नावाजोगं कामगिरी केलेली नाही आहे खराब क्षेत्ररक्षण ढिसाळ कारभार इथे पाहायला मिळाला। हलक्या हाताने खेळलाय मकसूदनी गली आणि बॅकवर्ड पॉईंटच्या मधून गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला एकेरी धाव अर्थात मकसूदनी ठरवलंय शांत आणि संयमी खेळ दाखवायचा थोडासा डिफेन्सिव्ह मूडमध्ये। मी आश्चर्यचकित झालोय मकसूदचा मूड पाहून मी कदापि मकसूदला पाहिलं नाही इतक्या सिंगल्स घेताना सुरुवातीच्या काळ असेल तो पहिल्या चेंडूपासून आक्रमक फलंदाज म्हणूनच ओळखला जातो पण यावेळेस त्याची काही स्ट्रॅटेजी काही रणनीती काही चाली वेगळ्या असतील काहीतरी वेगळं चंग मनात बाळगून तो कदाचित मैदानात उतरला असेल। 77 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अरफातचा अर्थात अरफात मोठा हिट खेळणार आहे आणि गेम घेऊन जाणार आहे मकसूद अशी सरळ सरळ स्ट्रॅटेजी मैदानात आपल्याला दिसून येते। पण नक्कीच शक्ती प्रदर्शन करावं लागेल ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात ना भाविण भक्ती भक्तीविण मुक्ती आणि बळेविण शक्ती बोलू नये। तुमच्याकडं बळ आहे तर ती शक्ती सिद्ध केली पाहिजे बळ दाखवावं लागेल। दीपक पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन लॉंग लेग बॉन्ड लाईनला सर्कलमध्ये होता क्षेत्ररक्षक चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या लगत चेंडू अडला जातोय
क्षेत्ररक्षक अडखडताना दिसला कारण आउटफील्ड थोडीशी स्लो आहे. दोन धावा इथेही अरफातला मिळतात. पहिल्या षटकाची सांगता होते. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या पोचते 7. बिनबाद 7. शांत आणि संयमी सुरुवात. 77 धावांचा बाटला. गुरुवारीत 5 षटकात 70 धावा आणखीन करायचे आहेत. अर्थात 30 चेंडू 70 धावा असं समीकरण असेल. तर खूप चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. मुरुड प्रीमियर लीग पर्व दुसरं. ना स्वार्थासाठी ना राजकारणासाठी एक स्पर्धा मुरुडच्या क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी. तर ही धडपड, ही तळमळ आणि या सर्व आयोजकांनी मग आपल्याला पाहायला मिळतील. हे सर्व आयोजक अतिशय चांगलं नियोजन पाहायला मिळते. प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण यूट्यूबद्वारे पाहतोय. 182 देशांमध्ये यूट्यूब चालतंय. 182 देशांमध्ये स्पर्धा आपल्याला लाईव्हच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. तर खूप चांगलं ब्रॉडकास्टिंग इथे आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगलं कॅमेरा वर्क पाहायला मिळते. अर्थात अपरिचित आणि अप्रसिद्ध राहतात क्रिकेटच्या मैदानात हे कॅमेरामॅन, जे पूर्ण दिवसभर प्रत्येक अँगलने एक चेंडूचा पाठलाग करत असतात. त्यांचा नामोल्लेख कदाचित बऱ्याच वेळेस स्पर्धेमध्ये होत नाही. तर हॅट्स ऑफ कॅमेरामॅन. पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. अर्थात उन्हातानात एक चूक पंचांची आपण पाहत असतो फक्त, पण त्यांनी दिवसभर गाळलेला घाम, दिवसभर उन्हात राहून केलेली प्रत्येक गोष्टीचं निरीक्षण हे आपल्याकडून दुर्लक्षित होतं. वळे आपण एकदा मॅचकडे. आहा, सुरे गोलंदाजी, पण डाव्या एसटीच्या बाहेर आहे. पंच वळत आहेत. यस, इंटरनॅशनल क्रिकेट काउन्सिलच्या नवीन नियमानुसार ऑक्टोबर 2018 पासून 22वा नियम क्रमांक सांगतो. यस, इट इज अ वाईड बॉल, स्वैर चेंडू, अवांतर धाव, एक धाव इथे नोंदली जाईल, गणली जाईल. एकरी धावाने धावसंख्या पोचते 8. पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर शादाब. मकसूदसाठी खराब चेंडू, चुकणार नाही. मकसूद फेकलाय स्क्वेअर लेग बॉन्ड लाईनच्या वरून. चेंडू सी मा रे शा पार, षटकार. एका चेंडूवर अर्धा डझन धावा म्हणजे 6 इथे मिळतात मकसूदला. 6 धावाने दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या पोचते. धावसंख्या पोचले बिनबाद 14. दुसरं षटक आपल्याला पाहायला मिळते. 40 रन्स प्रोग्रेस इन सेकंड ओव्हर. चांगली गोल फलंदाजी तर मकसूदची पाहायला पाहिजे. पहिल्या दोन चेंडू शांत असलेला मकसूदचा बॅट इथे मात्र जसा लूजनर पाहिला तसा तुटून पडला. अर्थात त्याचा सरळ सोपा नियम आहे. चांगल्या चेंडूचा सन्मान, खरा चेंडूचा समाचार. याही वेळेस मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या टो एंडला चेंडू लागला. मारायचा होता मिडविकेटच्या वरून, पण शॉर्ट मिडविकेटला सर्कलमध्ये असलेल्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातात चेंडू जातोय. पहिलाच इशारा केला आपल्या साथी सहकाऱ्याला की धाव घ्यायची नाही, रिस्की सिंगल कुठली घ्यायची नाही, मी उभा आहे, मी धावा करेन. या दृढ निश्चयाने आज मैदानात मकसूद पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा मकसूद. हा मोठा फटका खेळण्याचा मनसुबा होता. बॅट आणि बॉलचं एलिव्हेशन तितकं पाहायला मिळालं नाही. संपर्क चांगला नव्हता, पण एक धाव देऊन जाईल. एकेरी धाव मिळते. या एकेरी धावाने धावसंख्या पोचते 15. 15 विदाउट लॉस. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसरं षटक हाताळतोय शादाब. खूप चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. 77 धावा रोखायच्या, प्रतिस्पर्ध्याला द्यायच्या नाहीत. पहिले बॅटर हे प्रारंभिक फलंदाज, ज्यांना माघारी परतवायचं आहे.
28 धावा। दीपक मक्सूस साठी हलक्या हाताने खेळला चेंडू, खेळत होता उजव्या बाजूला ऑफ साइडला, पण बाय बॅटची आतली कडा पाहायला मिळाली, ऑन साइडला चेंडू निघून आला, रिंगाळला चेंडू। एक धावाचा वेळ दोन्ही फलंदाजाकडे होता, त्यामुळे एक धाव पूर्ण करतायत। एकेरी धावाने धावसंख्या पोचते 29। तिसरा षटक सुरू आहे। दीपक सामरान कारभारीसाठी हलक्या हाताने स्टेअर केलाय ऑफ साइडला, एक धाव घेऊन आपलं खातं उघडलं सामरान कारभारीने। एकेरी धावाने धावसंख्या 30, 77 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, अजून 47 धावा पाहिजे आहेत। 20 चेंडू 47 धावा असं समीकरण आहे। दीपक मक्सूस साठी मोठा फटका आहे, स्टँड अँड डिलेवर समोरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षकाच्या हाताला चेंडू लागलाय पण गेलाय सीमारेषा पार, 6 धावा षटकार। एक देखना स्ट्रोक अर्थात नजाकत आणि ताकद यांचं मिश्रण पाहायला मिळालं, अर्थात क्रिकेटमध्ये तुमच्याकडे कला गुण कौशल्य याचं जर समीकरण असेल तर तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीत आक्रमण करून धावा गोळा करू शकता, ते दाखवताना इथं प्रात्यक्षिक मकसूद। हा दुसऱ्या चेंडूवर सन्मान, द ग्रेट लिटल मास्टर सनी गावस्कर अर्थात सुनील गावस्कर यांचं क्रिकेटचं सूत्र आहे, ते सांगतात चांगल्या चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार घेतला पाहिजे, तेच कदाचित इथे मकसूद दाखवताना। मागच्याच चेंडूवर त्यांनी मोठा हिट खेळला होता 6 धावांसाठी, धावसंख्या पोचली होती 36 धावांवर, 36 लॉस ऑफ 1 विकेट, 41 धावा अजून पाहिजे आहे। आणि खराब चेंडूंचा समाचार इथे घेतला होतोय मकसूदकडून, 18 चेंडू 41 असं समीकरण आहे। सामरान कारभारी कॅप्टन मैदानात दाखल झालाय, एकेरी धाव त्यांनी घेऊन खातं उघडून नॉन स्ट्राईकला गेला मकसूद। आता जसं पाहिलं अराफत बाद झालाय, मकसूदने आपले हात खोलले, कारण ही स्ट्रॅटेजी चांगली आहे। एक खेळाडू स्टेडी राहतोय, मैदानात थांबतोय, तग धरतोय, पाय रोखतोय, दुसरा फलंदाज आक्रमण घेतोय, अर्थात प्री प्लॅन गेम आपल्याला पाहायला मिळते, जे टीम मॅनेजमेंटने, संघ मालकाने, मेंटॉरनी, कोच मॅन्युअलनी जे जे गाईडलाईन्स दिल्या आहेत त्याचा पुरेपूर अंमलबजावणी मैदानात पाहायला मिळते फलंदाजांकडून। रिमशा 11, विपक्ष श्रेयांस 11, आपण हा सामना पाहतोय गोलंदाजीसाठी। महमूद अलंग द कार्पेट फटका केला मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक येतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगली फेकी पाहायला मिळाली। अर्थात क्षेत्ररक्षण आता खूप क्रिकेटचं महत्त्वाचा दुवा झाला आहे, तुम्हाला आठवण येईल 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप पहा, जॉन्टी रोड्स आले साऊथ आफ्रिकेकडून, बॅकवर्ड पॉईंटला त्यांनी इंजमा मुलहकला रनआउट केलं आणि तिथून मात्र क्षेत्ररक्षणाची सूत्र अवख्या क्रिकेट विश्वात बदलली। हा फटका चांगला आहे मकसूदचा, उंची नव्हती पण पॅरेलल स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषा पार, दमदार षटकार 6 धावांसाठी। काय फलंदाजी करतोय मकसूद, अर्थात डीजे संगमेश थोडीशी शांत आहेत कारण त्यांच्यावर रिस्ट्रिक्शन लावली गेली कालपासून, आणि त्यामुळे आता त्यांच्या मानधनात ही नाही संगमेश जस्ट किडिंग। वळूया आपण एकदा मॅचकडे, धावसंख्या पोचल्या आपण पाहतोय 43 धावा, आणखीन एक मोठा टोला बिग मॅन, पण यावेळेस मात्र सीमारेषाच्या आत मकसूदला रोखलं जातंय, क्षेत्ररक्षकाकडे झेल टिपला जातोय, खेळ मात्र संपलाय तो मकसूदचा, माघारी यावं लागेल त्याला डगआउटमध्ये। 22 धावा कुठल्या, चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली, 3 षटकार आले। नवीन फलंदाज राफीद पाहायला मिळेल, 77 धावा कुठेही वाटलं नाही की अवघड आहेत, सहजरित्या फलंदाजी केली मकसूदने, वेल प्लेड मकसूद, 22 धावा त्याच्या बॅटमधून आल्या, एक चांगली पारी।
मोटा फटका खेलता खेलता बाद जला तो अपने संघासाठी 77 धावांचं लक्ष्याचा पाटला करताना 43 वर आणून त्यांनी सोडलंय संघाला। आता जबाबदारी सामरांच्यावर आहे कारण पहिली सूत्र सामन्याची अराफतनी घेतली होती, अराफत बाद झाल्यानंतर तदनंतर आपण पाहिलं मकसूदनी सूत्र हातात घेतली होती। खोलवर टाकला तो चेंडू खोदून काढलाय फटका, लॉन्ग ऑफ रिजनला चेंडू जातोय, एकेरी धावांनी खातं उगडलंय रफीदनी। श्री गणेश अकिल आपल्या धावांचा एक धाव त्याच्या नावाच्या पुढे नोंदली जाते, धावसंख्येत संघाच्या भर टाकली जाते 44 धावा। फटका चांगला आहे सामरांचा, उंची दिले लांबी आहे का हो, चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्याच्या वरून लॉन्ग ऑन बाउंड्रीलाइनवरून एक मोठा उंच षटकार सामरान कारभारीच्या बॅटमधून 6 धावांसाठी। 6 धावांनी अर्धशतक पूर्ण होते, 50 धावा होत आहेत, आता 27 धावांचं समीकरण आहे उर्वरित 13 चेंडूमध्ये, 13-27 धावा 13 चेंडू। तर महमूदच्या विरोधात सामरांनी आक्रमण चढवलंय, हल्ला चढवलाय महमूद, फुलटा चेंडू, वा भाई वा, काय स्ट्रोक, दर्जा दाखवला आपला, क्लास दाखवता ना सामरान कारभारी, स्क्वेअर लेगच्या वरून पॅटर्न स्वीप षटकार, अर्थात झाडू शॉटी म्हणता येईल, अर्थात अर्थात मुरुड नगरपालिकेच्या स्वच्छता अभियानचा जर ब्रँड अँबॅसेडर सामरानला केला ना तर नक्की चांगलं आहे, कारण प्रत्येक गोष्टीसाठी एक ब्रँड असतो। तर इथं सामरान कारभारी तोच शॉट इथे दाखवताना, काय पॅटर्न स्वीप, झाडू शॉट खूप लांबून घेतला त्यांनी चेंडूला आणि वेकला सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी। अफलातून फलंदाजी, लगातारच्या 2 चेंडूवर त्यांनी 12 धावा कुठल्या, धावसंख्या पोहोचवली अब तक 56, 77 धावांचा पाठलाग, 21 धावा चेंडू शिल्लक आहेत 12। सामन्यात कुठंही मान वर करू दिली नाही गोलंदाजाला किंवा श्रेयस इलेवन संघाला, कुठेही असं वाटलं नाही पहिल्या चेंडूपासून की श्रेयस इलेवन या मॅचमध्ये आहे। अर्थात पहिली इनिंग फलंदाजी करताना 76 धावा केल्या तेव्हा श्रेयस इलेवनला वाटलं की चांगल्या धावा झाल्यात, पण तदनंतर आपण पाहिलं तर फलंदाजी जेव्हा आली अराफत आणि मकसूदनी सूत्र हातात घेतली। आता सामरान जसं पाहिलं मकसूद बाद झालाय, आता सामरानच्या हातात आहे या सामन्याचा मोर्चा, किल्ला लढवतोय कर्णधार आहे, दिशादर्शक मार्गदर्शक सेनानायक काम सामरान कारभारी, खूप चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून मी पाहिले, मला प्रभावित केलं होतं त्यांनी याच वर्षी रॉयल फेस्टिवलच्या स्पर्धेमध्ये सामरांनी। हा खराब चेंडू बीमर घोषित केलाय दोन्ही पंचांकडून वेस्ट लाईनच्या वर, नियम क्रमांक 21 मैदानात दाखल होतोय, यस इट इज अ नो बॉल, धावसंख्या एकेरी धावांनी पुढे जाईल 57 धावा, यश कडून खराब गोलंदाजी। आपल्याला जर गोलंदाजीत यश मिळवायचं असेल यशला तर ही खराब गोलंदाजी आहे, अर्थात नवखा गोलंदाज आहे यश, वय पाहिलं तर खूप कमी, एक मोठा अनुभव त्याला ही स्पर्धा देऊन जाईल। पुन्हा एकदा यश, यावेळेस जबरदस्त टोला पण फलंदाज होता राफीद, बॅटमधून आलाय कव्हर रिझनला देखणा स्ट्रोक, षटकार 6 धावांसाठी, बॉल द्यायचा आहे। अर्थात क्रिकेट गोलंदाजाला चांगलं नाही असं चर्चा केली जाते, काँक्रीट विकेट आहे, काल आपण आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये जर पाहिला असेल मॅच, NB अवध पुणे विपक्ष रायगड, सुमित चौधरींनी 6 चेंडू 5 धावा दिल्याने अफलातून गोलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळाली, अर्थात दादर जिमखान्यासाठी ए डिव्हिजन लेदर क्रिकेट खेळतो, खूप चांगलं क्रिकेटमध्ये परफॉर्मन्स अवघ्या 20 वर्षात सुमित चौधरींनी काल दाखवलं। यश हा यावेळेस वाईड यॉर्कर पाहायला मिळाला, उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर टाकला होता, निर्धाव चेंडू येतोय, चांगली गोलंदाजी ते म्हणता येईल गोलंदाजी यशकडून, कारण यशचं करिअर खूप पुढे आहे, या मॅचमध्ये काय होईल त्यापेक्षा आपला परफॉर्मन्स आपण काय चाप टाकून जाऊ याच्यावर लक्ष केंद्रित यशनी, तर अर्थात संघालासुद्धा त्याची मदत होईल। बिलालनी चर्चा केली यशकडे या चेंडूनंतर,
पुन्हा एकदा तीच दिशा धरून जबरदस्त गोलंदाजी, पण यावेळेस यष्टीरक्षकाने त्याला साथ दिली नाही. खराब यष्टीरक्षण, त्याच्या फलस्वरूपात बाईच्या स्वरूपात दोन धावा येत आहेत. त्या पंचांचा इशारा आपल्याकडे पोचतोय, अतिरिक्त धाव मिळत आहे, धावसंख्या पोचली जाते. 65 धावा, अर्थात या सामन्याचा तसा बेरस बेचव सामना पाहायला मिळतोय प्रेक्षकांना, कारण प्रेक्षकांना रंजक पाहायला मिळत आवडतं, त्यासाठी प्रेक्षक आपला वेळ खर्ची करून इथे येत असतात. इथे फुलटाज होता, लोअर फुलटाज वेस्ट लाईनच्या खाली होता म्हणून यश वाचला, कारण एक बीमर त्यांनी हाताळला आहे पहिल्याच चेंडूवर. तर इथे धाव मिळणार नाही, निर्धाव चेंडू येते. वाईट बॉल, खराब गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवर चौकार आला होता. 6 10 धावा पाहिजे होत्या. तर लक्षात घ्या, विनरचा सामना जो आहे तो एक्झॅक्ट 2 आपल्याला टॉस बॉक्समध्ये टॉस करण्यासाठी उपलब्ध राहायचा आहे. आयोजकांचा निर्णय आहे, फटका चांगला आहे. आणखीन एक बॅटन स्वीप, सामरान कारभारीचा लाडका फटका पाहायला मिळते. चौकार 4 धावांसाठी, स्कोर लेवल पाहायला मिळते इथे. 66 धावा,
संघ मालकानी मॅनेजरनी आणि कॅप्टननी नोंद घ्यायची आहे. आपण 2 वाजता टॉस बॉक्स मध्ये टॉस उडवायला राहायचं आहे. कुठली गय केली जाणार नाही आयोजकांकडून. सामना जिंकला इथे रिमशे 11 संघानी अर्थात सामरान कारभारी पहिल्या सामन्यात विजयी कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळते.